नमस्कार, सत श्री अकाल आदाब दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल क्रिकेट लाइन ग्रुप में। दोस्तों, तमिलनाडु प्रीमियर लीग 2024 की शुरुआत हुई थी 5 जुलाई से, लेकिन अब देखिए सारे के सारे लीग स्टेज के मैचेस यहां पर खत्म हो चुके हैं और चार टीमें यहां पर हमें मिल चुकी हैं जो कि क्वालिफाई करने में कामयाब रही हैं। पहली टीम है यहां पर लाइका को वाइकिंग्स की टीम, दूसरी है आई ड्रीम तिरुपुर तमिजांस, तीसरी है चेपॉक सुपर गिलीज, तो वहीं चौथी टीम है डिंडीगुल ड्रैगन्स। तो वहीं अब देखिए यहां पर खेला जाएगा पहला क्वालिफायर मैच। ये मुकाबला होगा 30 जुलाई को शाम 7:15 पर लाइका को वाइकिंग्स वर्सेज आई ड्रीम तिरुपुर तमिजांस के बीच में। तो वहीं 31 जुलाई को चेपॉक सुपर गिलीज वर्सेज डिंडीगुल ड्रैगन्स के बीच में एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों क्वालिफायर वन मुकाबले में जो भी टीम जीतती है वो जाएगी सीधे फाइनल्स में और जो टीम यहाँ पर हारेगी वो जाएगी क्वालिफायर टू में। तो वहीं एलिमिनेटर मुकाबले में जो टीम जीतेगी वो क्वालिफायर टू मैच खेलती हुई नजर आएगी और जो टीम हारेगी वो सीधे इस लीग से बाहर हो जाएगी। तो ऐसे में लाइका कुवाई किंग्स वर्सेज आई ड्रीम तिरुपुर तमिजांस के बीच जो ये मुकाबला है इसमें देखना बहुत दिलचस्प होगा कि कौन सी टीम जीत दर्ज कर फाइनल में अपनी जगह बनाती है, साथ ही कौन सी टीम क्वालिफाई टू मैच खेलती हुई नजर आएगी। वेल देखिए पॉइंट्स टेबल की अगर बात करें तो लाइका कुवाई किंग्स की टीम ने 7 मैचेस खेलते हुए 6 मुकाबलों में जीत दर्ज की है और एक ही मात्र मुकाबला वो हारे हैं इस सीजन। आई ड्रीम तिरुपुर तमिजांस की टीम ने 7 मैचेस में से 4 मुकाबले जीते हैं, तो वहीं 3 मुकाबलों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। चेपॉक सुपर गिलीज ने भी 7 मैचेस खेलते हुए 4 मुकाबले जीते हैं, 3 में हार का सामना करना पड़ा था। और सेम है यहां पर डिंडीगुल ड्रैगन्स के साथ, जिन्होंने 7 मैचेस में से 4 मुकाबले जीते हैं, तो वहीं 3 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। अब ऐसे में लाइका वाइकिंग्स की टीम क्योंकि पॉइंट्स टेबल में टॉप पर बनी हुई है, तो यहां पर क्या इस मुकाबले को जीतकर वो फाइनल्स में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहेगी, इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। यानी कि आज के हमारे मैच प्रीव्यू में हम जानेंगे कि कौन सी टीम इस मुकाबले की जीत की दावेदार नजर आ रही है और चर्चा करेंगे यहां पर दोनों टीम्स की प्रोबेबल प्लेइंग 11 के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं पिच रिपोर्ट के साथ। तो देखिए एनपीआर कॉलेज ग्राउंड डिंडीगुल में ये मुकाबला खेला जाएगा। टोटल मैचेस यहां पर खेले गए हैं 66, जिसमें से पहले बल्लेबाज ही करने वाली टीम ने 27 मुकाबले और सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने 39 मैचेस जीते हैं। एवरेज स्कोर यहां पर रहा है फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम का 156 का, हाईएस्ट स्कोर बनाया है नेल्लई रॉयल किंग्स की टीम ने 209 का, तो वहीं लोएस्ट स्कोर सीचम मदुरई पैंथर्स ने दर्ज किया है 59 का। स्कोरिंग पैटर्न में देखिए स्कोर बिलो 150 बना है 30 टाइम्स, स्कोर बिटवीन 150 एंड 169 बना है 11 टाइम्स, स्कोर बिटवीन 170 एंड 189 बना है 15 टाइम्स, तो वहीं स्कोर अबव 190 बना है 10 टाइम्स। तो ओवरऑल ये तो बात हो गई पिच रिपोर्ट के बारे में। हेड टू हेड कंपैरिजन की बात करें, यानी कि लाइका और आई ड्रीम की टीम तमिलनाडु प्रीमियर लीग में कितनी बार भिड़ चुकी हैं, कितनी बार आमना सामना हो चुका है दोनों टीम्स का, तो देखिए 10 बार दोनों टीम्स आपस में भिड़ती हुई नजर आई हैं, जिसमें से 7 मुकाबले जीते हैं लाइका कोवाई किंग्स की टीम ने, तो वहीं 2 मैचेस में आई ड्रीम तिरुपुर तमिजांस की टीम ने जीत दर्ज की है और एक मुकाबला यहां पर टाई रहा है। तो ऐसे में दोस्तों अब देखिए यहां पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि लाइका कोवाई किंग्स की टीम का पलड़ा भारी नजर आता है क्योंकि ज्यादातर मुकाबले उन्होंने जीते हैं, लेकिन क्योंकि आई ड्रीम की टीम भी क्वालिफाई करने में कामयाब रही है तो यहां पर हमें बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। अब ऐसे में लाइका कोवाई किंग्स की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, क्योंकि इस मैच को जीतकर वो फाइनल में जगह बनाना जरूर चाहेंगे। तो चलिए अब आपको बताते हैं लाइका कोवाई किंग्स की प्लेइंग 11 के बारे में, जहां पर शामिल रह सकते हैं एस सुजय, जे सुरेश कुमार, साई सुदर्शन, शाहरुख खान, यू मुकलेश, राम अरविंद, अतीक उर रहमान, एम मोहम्मद, मणिमरन सिद्धार्थ, जाथावेद सुब्रमण्यन और वलिप्पन युधीश्वरन। तो ये 11 खिलाड़ी हमें लाइका की प्लेइंग 11 में नजर आ सकते हैं आई ड्रीम के खिलाफ भिड़ते हुए। अब लाइका कुवाई किंग्स के अगर की प्लेयर्स की बात करें दोस्तों, तो देखिए यहां पर बल्लेबाजी और गेंदबाजी में कौन से वो खिलाड़ी होंगे जो कि अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, तो पहले देखिए यहां पर हमने नाम शामिल किया है यू मुकलेश का, जिन्होंने 6 मैचेस खेलते हुए 147 रन स्कोर किए हैं। एस सुजय ने 5 मैचेस खेलते हुए 144 रन बनाए हैं। वहीं शाहरुख खान की अगर बात करें, क्योंकि देखिए शाहरुख खान जो है इस टीम के कप्तान रहे हैं और इस टीम की कप्तानी करते हुए उन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है, तो देखिए 6 मुकाबले उन्होंने खेले हैं और बल्लेबाजी करते हुए 222 रन स्कोर किए हैं 191.38 के स्ट्राइक रेट से, साथ ही उन्होंने गेंदबाजी करते हुए 9 विकेट भी अपने खाते में जोड़े हैं। तो वहीं गेंदबाजों में एम मोहम्मद है, जिन्होंने 7 मैचेस में 9 विकेट चटकाए हैं। गौतम थमराई कनन की अगर बात करें तो 22nd मैच में उन्होंने 4 विकेट अपने खाते में जोड़े थे 5 के इकोनॉमी रेट से। अब देखिए यहां पर गौतम थमराई कनन का इसलिए हमने नाम शामिल किया है क्योंकि इस
इस मैच में गौतम थमिराईकनन एज अ इम्पैक्ट प्लेयर हमें नजर आ सकते हैं, और अगर वो प्लेइंग 11 में शामिल होते हैं तो यहाँ पर वो बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए नजर आ सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आखिरी नाम है जे सुब्रमण्यन का, जिन्होंने 25th मैच में सलीम स्पार्टन्स के खिलाफ 2 विकेट चटकाए थे 4 के इकोनॉमी रेट से। तो ये बात हो गई यहाँ पर लाइका कोबाई किंग्स की टीम के बारे में। चलिए बात करते हैं यहाँ पर आई टीम तिरुपुर तमिजांस की प्लेइंग 11 के बारे में। यहाँ पर कप्तान है आर साई किशोर, तो क्या वो अपनी कप्तानी में अपनी टीम को जीत दिला पाएंगे, साथ ही फाइनल में जगह बना पाएंगे, ये देखना दिलचस्प रहेगा। फिलहाल बात करते हैं आई ड्रीम तिरुपुर तमिजांस की प्लेइंग 11 के बारे में, जहां पर शामिल रह सकते हैं अमित सात्विक, तुषार रहेजा, एस राधाकृष्णन, बालचंदर अनिरुद्ध, आर साई किशोर, मोहम्मद अली, एस गणेश, पी भुवनेश्वरन, एस अजीत राम, टी नटराजन और रामलिंगम रोहित। तो ये 11 खिलाड़ी हमें आई ड्रीम की टीम में नजर आ सकते हैं। बात करें यहां पर की प्लेयर्स के बारे में, तो मान बफाना का नाम हमने शामिल किया है, जो कि पिछले मैच में एज अ इम्पैक्ट प्लेयर उतरे थे खेलने के लिए, और इस मैच में भी जो है एज अ इम्पैक्ट प्लेयर उनकी एंट्री हो सकती है। तो देखिए 26 मैच में मान बफाना ने 50 रन की अर्धशतक की पारी खेली थी और उनका स्ट्राइक रेट था 142.86 का। तो ऐसे में ये एक अच्छे बल्लेबाज साबित हो सकते हैं अपनी टीम के लिए। इनके अलावा एस गणेश हैं, जिन्होंने 26th मैच में ही 39 रन स्कोर किए थे 105.41 के स्ट्राइक रेट से। तो ये दो बल्लेबाज हैं जो कि अपनी टीम के लिए अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं दोस्तों। साथ ही यहां पर अगर बात करें गेंदबाजी की, तो टी नटराजन है, जिन्होंने 6 मैचेस में 12 विकेट निकाले हैं, एस अजीत राम ने 7 मैचेस में 10 विकेट, मोहम्मद अली ने 7 मैचेस में 9 विकेट, वहीं आखिरी नाम है आर साई किशोर का, जो कि टीम के कप्तान है, जिन्होंने 26 मैच में 2 विकेट चटकाए थे 7.20 के इकोनॉमी रेट से। तो ये बात हो गई आई ड्रीम की टीम के बारे में। फाइनली देखिए बिना किसी देरी के कंक्लूजन की बात कर लेते हैं, तो टीम के प्रदर्शन को देखते हुए यहां पर देखिए वैसे तो आई ड्रीम तिरुपुर तमिजांस की टीम माना कि स्ट्रांग नजर आ रही है गेंदबाजी में, लेकिन बल्लेबाजी में कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमजोरी हमें दिखाई दे रही है। तो देखिए लाइका कोबाई किंग्स की अगर बात करें, तो बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में ही बेहतरीन प्रदर्शन करती हुई नजर आई है और इस मुकाबले में भी अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आएगी। तो ऐसे में टीम के लिहाज से लाइका कोबाई किंग्स की टीम 60% चांसेस है कि इस मुकाबले को जीत के सीधे फाइनल्स में अपनी जगह बनाएगी, तो वहीं 40% चांसेस यहां पर आई ड्रीम तिरुपुर तमिजांस की भी नजर आ रहे हैं, यानी कि इस मुकाबले को आई ड्रीम की टीम भी कभी भी पलटने में कामयाब हो सकती है। तो वहीं हेड टू हेड कंपैरिजन में भी ऐसा ही कुछ हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि लाइका कोबाई किंग्स की टीम ने ज्यादातर मुकाबले जीते हैं, तो चांसेस भी लाइका कोबाई किंग्स की टीम के नजर आ रहे हैं इस सीजन के प्रदर्शन को देखते हुए। वेल, आपके हिसाब से कौन सी टीम इस मुकाबले को जीतेगी, आप भी अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर शेयर करिएगा। इसी के साथ इस वीडियो पर फिलहाल लगाते हैं विराम, अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए क्रिकेट लाइन गुरु। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग।